आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो गाइस, क्वेश्चन में गिवन है, एट कांस्टेंट प्रेशर 200 ग्राम ऑफ वाटर इज हीटेड फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। थस द इंक्रीज इन एंट्रोपी इज, हमें एंट्रोपी के अंदर इंक्रीज बताना है कितना आया। जब मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर इज 75.3 जूल पर केल्विन पर मोल है। तो चलिए गाइस, अब सॉल्यूशन फाइंड करते हैं इस क्वेश्चन का। तो हमें निकालना क्या है, हमें डेल्टा एस निकालना है, यानी कि चेंज इन एंट्रोपी निकालनी है। चेंज इन एंट्रोपी निकालना है, और प्रोसेस कौन सा दिया गया हमें, आइसोथर्मल प्रोसेस दिया गया। आइसोथर्मल प्रोसेस में कंडीशन क्या होती है आइसोथर्मल प्रोसेस की, आइसोथर्मल प्रोसेस की जो कंडीशन होती है वो होती है टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या मैं लिख सकता हूँ डेल्टा टी इक्वल टू जीरो। तो ये बातें हमें दी गई है। अब डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एस का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, हम कैसे निकालते हैं एंट्रोपी चेंज, वो होता है हमारे पास एन सी पी एल एन टी टू बाय टी वन प्लस एन आर एल एन पी वन बाय पी टू। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अब बात की जाए, यहाँ पर हमें एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर दिया गया है, सॉरी यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस की बात नहीं की गई है, एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर की बात की गई है। तो एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर की बात की गई है, तो हमें पता है कि प्रेशर अगर कॉन्स्टेंट रहेगा तो पी वन इक्वल टू पी टू हो जाएगा, क्योंकि तो प्रेशर जो है कॉन्स्टेंट है, पी कभी चेंज हो ही नहीं रहा, यानी कि पी जो पहले था वही पी बाद में रहेगा, यानी कि पी वन इक्वल टू पी टू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पी वन इक्वल टू पी टू पुट कर देंगे, तो देखते हैं फाइनल रिजल्ट क्या आएगा। और टी टू कितना गिवन है हमें, टी टू गिवन है हमें 20 डिग्री सेल्सियस का मतलब केल्विन में कितना होगा, 293 केल्विन। और टी वन गिवन है हमें 10 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा केल्विन में हो जाएगा 283 केल्विन। और हमें क्या क्या गिवन है, हमें सी पी की वैल्यू गिवन है, सी पी की वैल्यू क्या गिवन है हमें, सी पी एट अ मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर जो है 75.3 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स गिवन है हमें। और क्या गिवन है हमें, और हमें 200 ग्राम ऑफ वाटर गिवन है, यानी कि यहाँ से हम एन निकाल लेंगे। एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मास कितना गिवन है हमें, 200 ग्राम, और मोलर मास कितना होता है वाटर का, 18 ग्राम। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा ये 200/18 का, ये हम फिलहाल 200/18 रखते हैं, बाद में सॉल्व करेंगे इसको। तो चलिए गाइस, अब ये सभी वैल्यूज हम इसको फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, तो फाइनल आंसर निकाल लेंगे। तो डेल्टा एस जो होगा, एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, 200/18, और सी पी की वैल्यू हमें ये पता है कि 75.3 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स आ जाएगा। और एल एन टी टू बाई टी वन जो होगा, टी टू क्या है, 293/283 आ जाएगा, प्लस एन की वैल्यू यहाँ पर फिर से एन आर एल एन पी वन बाई पी टू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 200/18। इसको रब कर देते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। तो हमारे पास n क्या आ रहा है, 200/18, r की वैल्यू हमारे को पता है कि 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है। तो एल एन पी वन और पी टू सेम है, तो मैं दोनों को पी वन मान लेता हूँ, पी टू को भी पी वन मान लेते हैं, क्योंकि पी टू पी वन ही है। तो यहाँ से एल एन पी वन बाई पी वन, यानी कि यहाँ पे एल एन वन बन जाएगा ये, और एल एन वन की वैल्यू हमें पता है जीरो हो जाती है, तो ये जो वैल्यू होगी वो जीरो हो जाएगी। तो यानी कि ये होल वैल्यू, ये वाली पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये पूरी वैल्यू जाकर जीरो हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा क्या सिस्टम में, डेल्टा एस इक्वल टू 200/18 इंटू 75.3 इंटू एल एन 293/283। तो ये फाइनल रिजल्ट हमें देगा, जो कि हमें सॉल्व करने के बाद क्या मिलने वाला है, इन दोनों को सॉल्व, 200/18 इंटू 75.3 को सॉल्व करने के बाद हमें मिलने वाला है 836.66, और एल एन 293/283 को सॉल्व करने के बाद जो मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है वो 0.0347। तो यहाँ से डेल्टा एस हमारा निकल के क्या आ रहा है, डेल्टा एस जो हमारा निकल के आ रहा है, फाइनल रिजल्ट जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आएगा 29.0323 जूल्स। तो ये फाइनल रिजल्ट हमारा निकल के आएगा।
तो यही हमें पूछा गया था, चेंज इन एंट्रोपी बताना था हमें। चेंज इन एंट्रोपी जो हमारा निकल के आ रहा है वो आ रहा है 29.0323 जूल्स। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।